मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बार कृपा करो। जय कुंज बिहारी।
क्या मुझसे बोलना चाहिए। आप लोग पीछे पान गुटका खाके तो नहीं बैठो, बोला तो मुंह बंद कर क्यों बैठो, कुछ बोलो मुझसे। ठाकुर जी को भी इतना कीर्तन इतना प्रिय है कि देखो ऊपर से उतर के नीचे आ गए, और आप लोग यही बैठे बैठे घूमो की तरह बैठे हो, क्या चक्कर है। जब भी कीर्तन होना पीछे पीछे कीर्तन करना चाहिए, ठीक है, साथ साथ में बोलो जय राधा माधव। वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठति भारत। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने पूर्व पूर्व जन्मों में एक जन्म नहीं 100 जन्मों तक भगवान की पूजा अर्चना करी हो, तभी जाकर उन पवित्र आत्माओं के मुंह से भगवान का नाम उच्चारित होगा। आप देखो इस संसार में दुनिया जान के हम बातें करते हैं, कोई भी मित्र मिल जाए इतनी बातें करते करते गप्पे मारते मारते घंटों बीत जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करने में किसी को लज्जा लगती है, किसी का मुंह ही नहीं खुलता, कोई सर झुका लेते हैं, कोई गंदा काम थोड़ी कर रहे हो। लेकिन कलयुग का इतना भीषण प्रभाव हो गया है, लोगों को भगवान का नाम उच्चारण करने में लज्जा लगती है। भगवान का नाम कैसा है, मंगलम मंगलम मेतर मधुरम मधुरम। भगवान का नाम बड़ा मंगलमय है, बड़ा मंगलमय, बड़ा मधुर है। अगर ये नाम मधुर नहीं होता तो क्यों संत लोग इसका नाम का ही कीर्तन करते रहे सब समय। इसलिए कह रहे हैं पवित्र आत्माओं के मुख से ही भगवान का नाम निकलेगा। आप लोग पुण्यात्मा हो ना पापात्मा हो, बताओ। पुण्य है तो सिद्ध करो ना, भगवान का नाम पीछे पीछे कीर्तन करो, तभी जाके तो पता चलेगा। पीछे पीछे भगवान के नाम कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे Hare Hare।
का भजन करो। हरि है हमारा, हरि का भजन करो। हरि है हमारा, हरि का भजन करो। हरि है हमारा, ओ हरि
Thank you.
का एक विशेष अंग होता है नृत्य। यदि नृत्य का भाव है
तो वो आकर के ठाकुर जी के यहाँ हाजिर लगा सकते हैं। और आइए जिन दिन को आता है ठाकुर जी से जिनको प्रेम है वो खड़े हो जाएंगे, जिनको ठाकुर जी से प्रेम है वो खड़े हो जाएंगे। अरे सावरिया तेरे आगे भाग्य में था वो सवार, हाँ, नहीं था।
मैं आपको रास्ते बता रहा था जी, मगर मेरा नाम भगवत है, रुवाइत का गीता है। और द्वारकापुरी इनका ये है, द्वारकापुरी है सब, राधे कृष्ण सब आगे। अरे सब तो जोड़ा गुरु जी का भी मिले, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। हाँ देखो, आज हम लोग का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। क्या नाम बोले आपका? भगवत। भगवत, बढ़िया, अच्छी नाम, गीता। गीता नाम भी बहुत अच्छे है। आज आपके घर में संत लोग घर में आए हैं, घर में भगवान की कीर्तन सत्संग हो रही है। भगवत से, हाँ भगवत से। वो दरवाजे को बंद कर दो, दरवाजा बंद कर। इसलिए शंकर जी ये बात पार्वती को कहते हैं, बोले पार्वती जगत में सब चीज सुलभ है, लेकिन पार्वती जगत में एक चीज बड़ी दुर्लभ है। तो माता पार्वती कहती है, प्रभु जगत में किस चीज की दुर्लभता है? कहते सत संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एक बार। हे पार्वती, जीवन में अगर एक घड़ी, आधी घड़ी व आधी से पुण्य आज, तुलसी सतसंगत में नासे कोटि अपराध है। कहते अगर जीवन में अगर थोड़ी सी ये सत्संग जीवन में मिल जाए, समझो ये जीवन तुम्हारी धन्य हो जाएगी। इसलिए जगत में ये सत्संग बड़ी दुर्लभता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। गोस्वामी जी कहते दो चीज जगत में दुर्लभ है, एक तो संतों का संग है और एक भगवान की कथा है। आज देखो हमें आज दो चीज मिल रहा है, दो चीज मिल रहा है कि नहीं? संतों का संग भी मिल रहा है और भगवान की कथा भी हमें मिल रही है। तब शंकर जी को पार्वती प्रश्न करती हैं, बोले प्रभु जी आप कह रहे हो सत्संगति दुर्लभ संसारा, बोले हाँ। बोले ये सत्संग से होता है क्या, ये सत्संग करने से क्या होता है? तब शंकर जी कहते हैं, बोले मंजन फल देखो तत्काला, काक होई पी का बखो मरला। शंकर जी कहते हैं अगर कोई सत्संग रूपी गंगा में स्नान करता है, कहते हैं स्नान करते ही बोले काक होई पी का, जो कौआ है ना, ये कौआ भी काला और पी का मतलब कोयले भी काला, दोनों ही काले हैं, देखेगी नहीं दोनों को, दोनों ही काले हैं, लेकिन उनका जो आवाज है ना उसमें बहुत फर्क है। अगर कौआ यहाँ बैठ करके का 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 करने लग जाए ना, बोले कब से का का कर रहे हैं, कान दर्द हो गया। लेकिन जब बसंत ऋतु में जब कोयल जब कुहुकती है, कितने मीठी आवाज है, हैं उसके कितने मीठी आवाज है। इसलिए जो काक है ना वो काक नहीं रह जाता है, वो कोयल बन जाता है। मतलब क्या है, बोले संसार की जो बात है ना, दुनियादारी की जो बात है, अब बैठ करके दुनियादारी की बात करो, कोई बोलेगा तन से दुखी, कोई बोलेगा धन से दुखी, कोई बोलेगा परिवार से दुखी, कोई बोलेगा बिजनेस नहीं रहो है, कोई बोलेगा पति पत्नी दुखी, कोई बोलेगा बेटा से दुखी, कोई बोलेगा बहू से दुखी, संसार की बात करो ना, दुखी 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 हो जाओगे। लेकिन भगवान की चर्चा करो, भगवान की कथा सुनो, मन को शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है। इसलिए कहते हैं काक होई पी का, बोले बकौ मराला। बगुला भी देखे होंगे और हंस भी देखे होंगे, देखेंगे नहीं? दोनों का रंग कैसे है, सफेद है। लेकिन ये बगुला क्या ढूंढता है, कीड़े मकोड़े खाता है, ढूंढता ढूंढता। लेकिन हंस क्या खाता है, कहती है मानस सरोवर में ये कमल मधु का आस्वादन करता है। हैं कहते जो दुनिया की जो दो लोग है ना, इधर उधर गंदी गंदी चीज, कहीं चुगली निंदा हो, बड़े आराम से चुगली सुनेंगे, लेकिन कहीं हरि की चर्चा हो ना, उनको नहीं सोता है, नहीं भाता है। लेकिन जो संत भी गंगा में बगुला अगर डुबकी लगाएगा ना, बगुला नहीं रह जाएगा, वो हंस बन जाएगा, हैं, भगवान की कथा रस का आस्वादन करेगा। इसलिए आज हम लोगों का बहुत बहुत अच्छा दिन है, श्री भगवत प्रभु जी घर में, गीता माता जी घर में आज ये सत्संग हो रही है। इसलिए पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है उसी घर में ही आ करके सारे तीर्थ बैठ जाते हैं। कथा रूपी गंगा में स्नान कर लिया, मतलब है
अब बैठी बैठी करके सारे तीर्थ हमें यहीं पर आपने स्नान कर लिया, सारे गया गंगा प्रभास अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया सारे तीर्थ आप घर में आ गए, क्योंकि जहां पर ये भगवान की कथा हो सारे देवता देवी तीर्थ भी उसी घर में आकर के निवास करते हैं। और जिस घर में प्रभु की कथा हो ना, कहते मंगल भवन अमंगल हरी, जहां पर ये कीर्तन जो बज रहे थे ना, कीर्तन हो रही थी, जितना दूर तक इसका आवाज जाती है उतना दूर तो कोई दुख कष्ट क्लेश रह ही नहीं सकता है। एक समय साइंटिस्ट ने ये चीज को रिसर्च किया है, बोले भैया क्यों कहते हैं सत्संग में भगवान के नाम में बड़े शांति क्यों कहते हैं। देखो उन लोगों ने किया, उन्होंने किया, उन्होंने परीक्षा किया है। एक समय उन्होंने तीन ट्रे लिया, तीन ट्रे में जो साबुत मूंग दाल डाल दिए और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी दे दिया, और एक ट्रे को उन्होंने रख दिया साधारण जगह पर, दूसरे ट्रे को रख लिया जहां पर भगवान का नाम कीर्तन चल रहा था, तीसरे ट्रे को रख लिया जहां पर ये रॉक म्यूजिक बज रही थी। बोले देखते हैं इसमें क्या अफेक्ट होता है। तीन दिन बाद में देखा जहां पर साधारण जगह पर जहां मूंग दाल रखा था साबुत, वहां पर थोड़ी सी अंकुर आया, और जहां पर भगवान की कीर्तन चल रहा था कैसेट में वो तीन गुण ज्यादा अंकुर आई, जहां पर ये रक म्यूजिक चल रहा था एक भी अंकुर नहीं आया, उसमें एक भी अंकुर नहीं आया। बोले भैया सचमुच से भगवान का नाम में बड़ा शांति है, भगवान के नाम में बड़ा शांति है ठाकुर जी का नाम पर है। इसलिए जगत का जो जगत जो दुनिया चल रहा है ना, वो ठाकुर जी सब भगवान के नाम के ऊपर चल रहा है। दुनिया जो चल रहा है जगत में वो सबके सब शब्दों के ऊपर चल रहा है। किसको ऊपर चल रहा है? सारे शब्द के ऊपर चल रहा है। देखना ये महाभारत युद्ध क्यों हुए पता है? द्रौपदी ने इतनी सी बोल दी थी, अंधा का बेटा अंधा है, महाभारत देखे कि नहीं? केवल इतनी सी बात से ही ये महाभारत का कारण है, सारी महाभारत रच गया। इसलिए देखना हमारे घर में कभी कभी महाभारत हो जाती है। बोले क्यों? अगर थोड़ी सी ये जीवा स्लिप कर गया, इधर उधर जीवा से कोई बात निकल गई ना, अब देखना घर में भी लड़ाई झगड़ा, घर में भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है। लेकिन घर में अगर सबके सब प्रीति व्यवहार करे, मीठे बोले, सबको प्यार करे, सबको प्रेम, देखना घर ही भगवान की घर ही आनंद में रहता है। इसलिए सारा दुनिया भगवान के नाम ये शब्द के ऊपर सारा दुनिया चलता है। और अभी जो हम लोग कीर्तन कर रहे थे ना, ये जो हरे कृष्ण बोलो मेरे साथ में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो इसका मतलब क्या है? ये हरे मतलब होता है हमारे जितने दुख कष्ट को जो हर ले, समस्त दुख कष्ट को जो हर ले, इसलिए वो हरी हरी से ही हरे। कृष्ण मतलब क्या है? कभी कभी देखना घर में सब कुछ ठीक है लेकिन कभी कभी मन को चैन नहीं मिलती है, शांति नहीं मिलती है। क्री मतलब होता है आकर्षण करना, और स्ना मतलब होता है आनंद देना। अगर कोई कृष्ण नाम जप करेगा ना, जो अशांत मन है, जो चंचल मन है, जो मन को शांति नहीं मिलती है, कृष्ण नाम करो, आपके मन को शांति मिलेगी, मन तुम्हारी इधर उधर नहीं भटकेगा। बोले राम मतलब क्या है? बोले जीवन में जो हमें आराम दे, जीवन में आराम और सुख शांति दे। हम तो यही चाहते ना संसार में, क्या चाहते? सुख शांति मिले, दुख कष्ट दूर हो जाए, सारे हैं मन अशांत मन को शांति मिले, आराम मिले, यही तो चाहते ना, और क्या चाहते हैं? और तो कोई नहीं, कुछ नहीं चाहते हो। इसलिए अगर ये हरे कृष्ण महामंत्र को जप करोगे ना, ये सब चीज आपको मिलेगा, सब चीज आपको मिलेगा। अब बोले नहीं चलो ऐसे ही है, नहीं बोले ऐसे नहीं, देखो ये शब्द का क्या शक्ति है। आपका नाम क्या है? क्या भगवत है? देखो ये शब्द की कितना शक्ति है। अगर मैं बोल दूं भगवत प्रभु जी बहुत मीठे स्वभाव की है, ये सबको प्रेम देते हैं, सबको प्यार देते हैं, सबको स्नेह देते हैं, बड़े उदार चित है, सब बड़े दानी है, शब्द ही है ना, लेकिन लोगों को खुश कर देता है, प्रसन्न कर देता है कि नहीं? अगर ये जीवा से थोड़ी उल्ट पुलट बात निकल जाए, देखना हाँ ये क्या करता है, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते ना, केवल शब्द ही ना और तो कुछ नहीं। जब ये साधारण शब्द में इतने शक्ति है, तब भगवान के नाम में कितने शक्ति नहीं। इसलिए कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि भगवान का नाम। इसलिए क्या करनी चाहिए? घर में भगवान कहते कहीं भी रहो, घर में रहो नहीं तो वन में रहो, लेकिन कहीं भी रहो भगवान के भजन करते हुए रहो, भगवान की भक्ति करते हुए जीवन को हमें
बितानी चाहिए, क्योंकि जो जीवन भगवान हमें दिया है, भगवान राम अयोध्या वासियों को बैठा करके समझाते हैं, हैं? क्या समझाते हैं, कहते बड़े भा कहाँ जा रहे हो, बोले बड़े भाग मानो स तन पावा सूर दुर्लभ सदग्रह थन गावा। भगवान अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं, बोले हे अयोध्या वासियों, ये जो मानव शरीर है ये बड़े भाग्य से ये मानव शरीर, माता जी इधर बैठो, चुपचाप बैठो, देखो आपका दिमाग, जब खरी कथा हो ना दिमाग कहीं नहीं घुमानी चाहिए, अपना हृदय की ज्योति जलाओ, ये ज्योति को मत देखा करो, अपना हृदय की ज्योति जगाओ, हैं, इसलिए ये ज्योति मत जलाया करो, इसलिए ये सिर्फ बुझने पर जो हरी कथा होती है ना, पृथ्वी का सारे तीर्थ आ गया, वो असली ज्योति यही है, ये ज्योति की चिंता मत करो। देखो भगवान राम अयोध्या वासियों को समझाते हैं, हे अयोध्या वासियों, ये जो मानव शरीर है ये 184 ब्रह्म के ये नरतनु दे, कहते ये 84 लाख जन्म के बाद में ये मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है, हैं? इसलिए कहते सुर दुर्लभ, ये मानव शरीर को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, हमें ये मानव शरीर मिले, बोले कहाँ, अमेरिका में, लंदन ना जर्मनी में, बोले भारत में, बोले कौन सा वंश में, दूसरे कोई वंश में नहीं, हिंदू घर में, हाँ गुजर है, हाँ इसलिए सबके सब गुजर हो तुम लोग, हाँ, और गुजर घर में तो जन्म लेना बहुत भाग्य की बात है, जानते हो ये गुजर कौन है, कहते ना गुजरिया खोल खिबरिया तेरे घर में आया हूँ, ये कृष्ण गुजर है, ये गोपियां गुजर ही है, ये गोपियों को गुजर ही कहती हैं, हैं? और जो कृष्ण गुजर है, हैं? गुजरिया खोल केवरिया, और गुजर घर में जन्म लेना तो लेना था, सोचो बहुत बहुत भाग्य में, सब ताली बजाओ तुम लोगों के लिए, कितने भाग्यवान हो तुम सब गुजर घर में आए हो, हैं? इसलिए इसलिए मेरे अक्सर करके मेरे जितना प्रचार है ना, जितना प्रचार करता हूँ वो गुजर जात में ज्यादा प्रचार है हमारी, और गढ़ी गांव अली गांव उधर तुगलकाबाद जो उधर तरफ में जितने गुजर गांव है ना, वो बहुत सारे हमारी भक्त है, गुजर में बहुत सारी भक्त है हमारे, इसलिए बड़ी भाग्य से हम लोगों को ये मानव शरीर गुजर घर में आपको जन्म मिला है, हाँ, इसलिए कहते हैं भैया इतना दुर्लभ तो जीवन मिला, बोले क्यों ये जीवन को इतना दुर्लभ क्यों बताए, भगवान कहते हैं बोले साधन था मोमक्ष करे द्वारा पाई न जे पर लो कसबारा, भगवान कहते हैं इसलिए ये मानव शरीर को इतने दुर्लभ बताया, बोले साधन धाम मतलब है 84 लाख जीवन जन्म में किसी को बोलो कृष्ण कृष्ण राम राम बोले, कोई राम राम कृष्ण कृष्ण बोल सकता है, ये इंसान के सिवाय कोई भी प्रभु का नाम को नहीं ले सकता है, जैसे आप लोग घर से यहाँ तक आए सत्संग में, कोई गधे सुअर जानवर कोई कथा सुनने के लिए आए नहीं, आए कोई नहीं है यहाँ पर, कौन आए, इंसान ही आ सकते हैं, जैसे बैठ करके सुन सकते हो, किसी जानवर को पेड़ को बोलो बैठ करके सुनो, कोई सुन सकता है, नहीं सुन सकते हैं, उसको ज्ञान है ही नहीं है, जैसे भगवान का कीर्तन में ताली बजा रही थी और कोई ताली बजा सकते नहीं, इसलिए भगवान कहते हैं जो मानव शरीर नहीं, बोले साधन धाम मतलब है इसी जीवन में ही भगवत को प्राप्ति इसी जीवन में हो सकता है, साधन इसी जीवन में हो सकते हैं, बोले मोक्ष करे द्वारा, बोले कहां पर जीवन मिला है, बोले मुक्ति की दरवाजा में तुमको मिला है, ये मुक्ति की दरवाजा है, एक उदाहरण देकर समझाए अच्छे तरह से सुनो, बोले एक समय को ये अंधा जा रहा था, अंधा डंडा टेकते टेकते जा रहा था, एक बहुत बड़ी एक महल बनी हुई थी जिसमें 84 लाख जिसमें दरवाजा है, कितना दरवाजा है, लेकिन ये सारे दरवाजा बंद है, एक दरवाजा खुला हुआ है, अंधा बेचारा डंडा टेकते टेकते भूल से वो कैसे उसको अंदर में खुली हुई दरवाजा में अंदर में चला गया, लेकिन जब वो निकलना चाहता है तो अंधा दिख नहीं रहा है, वो निकल नहीं पा रहा है, इतने में हाथ लगाया बंद हुआ दरवाजा, दूसरे दरवाजा बंद, तीसरे दरवाजा बंद, कितने दरवाजा था,
84 लाख सारे दरवाजा बंद 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 करते करते पता नहीं कितने जन्मों के बाद में ये खुला हुआ दरवाजा में आया। जब खुला हुआ दरवाजे में आया इतने में देखा सारे दरवाजा तो बंद पड़ा था, ये दरवाजा थोड़ी बंद खुला हुआ होगा, ये भी बंद हुआ होगा। वो तो खुला हुआ दरवाजा में आकर के ना खुजलाना शुरू कर दी, वहीं पर आकर खुजलाना शुरू कर दी। करते करते तो खुला हुआ दरवाजा पार हो गया, फिर जब हाथ देगा कौन सा दरवाजा आएगा, फिर वही बंद दरवाजा बंद दरवाजा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो अंधा और कोई नहीं, हम ही है। भगवान को भूल करके जीव ये 84 लाख जीवन में भटकता है, 84 लाख जीवन में भ्रमण कर रहा है, लेकिन ये मानव शरीर नहीं, ये खुला हुआ दरवाजा है। और जितने सारे दरवाजा है वो सबके सब बंद है, और जितने दरवाजा सबके सब बंद, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ये जीवन तो मिला लेकिन दरवाजा उसकी बंद था। क्यों? भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, भजन नहीं कर सकता है, इसलिए सारे दरवाजा बंद था। लेकिन ऐसे करते 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 लेकिन जब ये खुला हुआ दरवाजा में आया, मतलब ये मानव शरीर है, लेकिन ये मानव शरीर में आ करके फिर करना क्या करना शुरू कर दिया, वही खुजली। खुजली मतलब क्या? ये जानवर जीवन में जो जो काम करता था ना, ये मानव शरीर में आकर फिर वही करना शुरू कर दिया। बोले जानवर जीवन में क्या करता था? बोले चार ही काम करते थे, हम चार ही काम करता है, आहार खाना, निद्रा सोना, भय डर और बच्चे जन्म देना। कहते ये चार ही काम हर जीवन में करते, हम दिन में दो काम करते, रात को दो काम करते हैं। दिन में पैसा कमाते, पैसा से परिवार को मेंटेनेंस करते हैं, रात को सोते हैं और विषय भोग करते हैं। कहते ये जो चार ही काम है ये तो हर जीवन में जीव करता है, बताओ ये काम को कौन नहीं करता? बोलो कौन सा जानवर ऐसे जो काम को नहीं करता है? सबके सब जानवर भी यही काम करते हैं, हैं? सुअर को देखो कितना एक साथ में बचा देता है, कितना बचा देता है, देखेंगे सुअर को कितना बचा देता है, 10-10 बार बच्चे जन्म दे देता है। हम तो एक ही बच्चे जन्म देते हैं, और एक बच्चे को हम बड़ा बनाने के लिए कितना दिन लगाते हैं, 20-25 साल लगा देते हैं। वो तो एक महीना में सारे बच्चे को बड़ा करके छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे हम खाने के लिए कितने पढ़ाई लिखाई करो 20-25 साल तक, फिर 8-10 घंटा काम करो, पैसा कमाओ, फिर जा करके हम खाते पीते। उनको बताओ वो कौन सा स्कूल कॉलेज में गए, कौन सा नौकरी चाकरी करते, खाना पीना तो आसानी से मिल रहा है। सोने के लिए हमें एयर कंडीशन रूम चाहिए, नहीं तो नींद नहीं आएगी, हैं? अगर कोई ज्यादा चिंता हो ना, टेंशन हो, गोली खाने पर भी हमें एयर कंडीशन रूम में नींद नहीं आती होगी। सुअर को देखो, जानवर को देखो, जहां था एकदम नो टेंशन सोते हैं, हैं? इसलिए कहते ये जो काम को हम करते हैं, खाते पीते हैं, कहते जानवर भी यही काम को कर रहे हैं, बल्कि हम जो काम करते इसमें बहुत सारे एडवांस है। लेकिन यहाँ प्रश्न होता है फिर मानव शरीर को इतना दुर्लभ क्यों बताए? भगवान कहते हैं अयोध्या वासियों केवल इसी जीवन में हम भगवान की भजन कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, और किसी जीवन में प्रभु का भक्ति नहीं हो सकती। ये मुक्ति के दरवाजा पर पहुंचे हैं। अगर ये जीवन को हमने पाए, ऐसे ही खा पी करके जीवन को बिता दिया तो गया, जीवन नष्ट हो गया, फिर 84 लाख जीवन में फिर जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान राम कहते हैं भैया ये जीवन पा करके समय को बर्बाद नहीं करते हुए जो काम के लिए भगवान ये जीवन दिया वो काम को कर लो। किसके लिए जीवन दिया है? प्रभु की भक्ति के लिए, भजन के लिए दिया है, हैं? इसलिए जीवन पा करके क्या करो, भगवान की भजन करो, सब कुछ घर का काम करो लेकिन भगवान की सेवा मान कर करो। जैसे घर में झाड़ू लगाते हो, कहाँ झाड़ू लगा रहे हो? भगवान के मंदिर में। कहाँ झाड़ू लगा रहे हो बताओ? घर किसने दिया है? घर किसके, घर का मालिक कौन है? ठाकुर जी ने दिया है। इसलिए हम झाड़ू लगा रहे हैं तो कहाँ झाड़ू लगा रहे हैं? भगवान की मंदिर में। अगर खाना बनाते हो, रसोई बनाते हो, किसके लिए रसोई बना रहे हो? घर में ठाकुर जी है ना, गोपाल, लड्डू गोपाल है, ठाकुर जी के लिए भोग लगा रहे बना रहे हो, उनके लिए बनाती है कि नहीं? उनके लिए बनाती हो। लेकिन एक बात है, लेकिन घर में प्याज खाते हो? नहीं, सही सही बोल दो, छूट मत कर करो, सही सही बोलो, घर में प्याज लहसुन खाते हो? अरे बोलो ना ठीक से, शर्माते क्यों? हाँ बोलो, खाते हो प्याज लहसुन? 2 दिन के लिए छोड़े, लेकिन वैसे खाते हो? हाँ वैसे खाते हो। देखो एक चीज ठाकुर जी के लिए एक चीज करो, प्याज लहसुन छोड़ दो।
देखो ये कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कृष्ण गीता में कहते हैं, बोले भुंजन्ते तु अघम पापा जे पचन्ति आत्मकारणात्। हे अर्जुन, जो मेरे लिए नहीं बना करके अपना लिए खाना बनाते हैं और मेरे को बिना खिलाए खुद खाते हैं, भुंजन्ते तु अघम, वो पाप भोजन करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मेरे लिए भोग बनाते हैं वो अमृत भोजन करते हैं। ठाकुर को भोग लगाओ ना, प्रसाद हो जाता है। प्रसाद मतलब कृपा है। सुदामा का नाम सुने कि नहीं सुने हो? पहले ये दरिद्र क्यों बना, फिर बाद में धनी क्यों बना? आप टीवी में देखे होंगे जब कृष्ण सुदामा जा रहे थे जंगल में, गुरु माता चाना दिया था सुदामा को, कृष्ण को दे कर खाई, लेकिन उसने छुपा छुपा कर भगवान से खाई, इसलिए बड़े दरिद्र उठाए, ये बड़े दुख कष्ट भोग किए। धनी का बने, फिर जब ठाकुर को दर्शन के लिए गए, दो मुट्ठी के बोले चिड़वा लेकर गए, ठाकुर जी एक मुट्ठी खाए, दो मुट्ठी खाए, जब तीसरे मुट्ठी खा रहे थे रुक्मणी हाथ पकड़ी, नहीं प्रभु आपने दो मुट्ठी खा लिया मतलब सारे राज ऐश्वर्य जो उसको घर में पहुंच गया, तीसरे मुट्ठी खाओगे ना मैं जो लक्ष्मी घर में दासी बन जाऊंगी। अब टीवी में देखे होंगे जब सुदामा घर में आए ना, सोने की महल, उसकी पत्नी रानी बन करके बैठी हुई सुशीला, पत्नी को पहचान नहीं पा रहे थे, क्यों? ठाकुर जी को दिए है। इसलिए कहते हैं अगर ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओगे तो क्या होगा, घर में दुख दारिद्र नहीं आएगी, घर में लक्ष्मी की कृपा होती है, ठीक है ना? लेकिन इसलिए, लेकिन प्याज अगर डालोगे तो फिर तो भगवान के भोग नहीं लग सकता है। देखो नवरात्रि रखते हो, 9 दिन तक तो प्याज लहसुन खाते हो क्या? क्यों नहीं खाते हो? अब बताओ क्यों नहीं खाते हो? क्या 9 दिन तक तो दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा? हाँ, ये चीज को समझो। इसलिए माता जी को पसंद नहीं तभी तो नहीं खा रहे हो ना। क्या मैया को 9 दिन के लिए खुश रखना था, फिर खा करके नाराज करो तो मैया को? फिर नहीं, जो चीज कान्हा को भोग नहीं लगता है, हैं? जो चीज हमारी देवी को पसंद नहीं वो चीज हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए, जो चीज उनको पसंद है वो चीज हमें पसंद आनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ, नहीं नियम नहीं है, घर में सब कुछ मालिक ठाकुर जी है, घर में ठाकुर जी मालिक है, अलग नहीं। जैसे समझो इधर देखो, इधर सोचो, एक चीज समझो अच्छे तरह समझो, जैसे आप घर के मालिक हो, तुम्हारे घर में कोई नौकर काम करता है, वो नौकर क्या करता है, बढ़िया बढ़िया बना बना कर खुद खाता है, लेकिन मालिक को जैसे तैसे सामने रख लेता है। अगर ये माली को पता चले मेरे घर का जो नौकर है वो तो खुद बढ़िया बढ़िया खाता है और मेरे को जैसे तैसे खिला देता है, बताओ मालिक नौकर को क्या करेगा? बोलो बोलो, अब समझ समझ में आया कि नहीं? वो मालिक अभी नौकर को क्या करेगा? नहीं, मैं जो बात बताया उसका उत्तर दे। हाँ, इसलिए हाँ, इसलिए बाहर क्यों खाते हो फिर, मत खाया करो। हाँ, जो चीज जो, हाँ क्या, हम मैं भी ना चाइना जाता हूँ, जानते हो, चाइना तक मैं जाता हूँ, रशिया जाता हूँ, यूरोप जाता हूँ, मैं फ्रांस जाता हूँ, हैं, इसलिए हॉलैंड जाता हूँ, मैं प्रचार कर ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, हम इतने दूर देश तक जा करके भी वहाँ पर बगैर प्याज लहसुन के हम भी इतने दूर तक जा कर खाते हैं। जैसे आप लोग कहीं बाहर गए होंगे, अब देखना वहां पर हर ढाबा में हर जगह पर देखना दाल उबली हुई, सब्जी उबली हुई रहती है, उनको जैसे बोलोगे ना हमको जीरा हींग और तड़का दे करके, अदरक तड़का दे कर दे दो, वो हम भी कहीं जा करके मजबूरी में हम भी खाते हैं, अलग बोल देते हैं हमारे लिए अलग बना दो, बना देते हैं, फिर ठाकुर को भोग लगा देते हैं, भगवान का नाम बोल करके हम भी खाते हैं। इसलिए एक तरफ में ठाकुर, एक तरफ में ये जीवा प्याज लहसुन, इसलिए इसका चुन लो, ठाकुर चाहिए तो प्याज लहसुन नहीं चाहिए, प्याज लहसुन चाहता ठाकुर नहीं चाहिए। हाँ देखो इधर सुनो ध्यान से, ये प्याज लहसुन क्यों नहीं खानी चाहिए, इस चीज को समझ जाओ, इस चीज को समझ जाओगे ना फिर खाओगे नहीं। पहले क्या होता था, ऋषि मुनि लोग आश्रम में गैया पालते थे, गो माता है, हम लोग पूजा करते हैं, इसलिए अगर कोई गैया बूढ़ी हो जाती तो उसको मरने नहीं देते थे, यज्ञ करते थे, यज्ञ में गैया को बलिदान देते थे। ऋषियों के पास में इतने मंत्र शक्ति होती थी, जब वो मंत्र पढ़ते थे बूढ़ी गैया भी जवानी बन जाती थी। आश्रम में कोई गैया बूढ़ी हो गई, उनको बलिदान दिया, सब लोग इकट्ठे हुए, सबको हाथ में मांस दिया, कुंड में आहुति देने के लिए हर तरह के व्यक्ति होते हैं। अभी किसी ने ये लाल लाल मांस को देख कर खाने की इच्छा हो गई, बोले सबको सामने खाओ कैसे,
उसको छुपा देता हूँ, उसने राख में छुपा दिया। सबके सब आहुति डाले, ऋषि मंत्र पढ़े, गैया जवानी हो गई, लेकिन जिस अंग का मांस को उसने छुपाया था इतना बड़ा घाव बना हुआ। और ऋषि तो साधारण थे ही नहीं, त्रिकाल दृष्टा, उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान लगा कर देखा किसने मांस के निकले छुपाया, उन्होंने अभिशाप दे दिया। बोले जहां पर ये मांस को काट दिया ये पाप जन्म होगा, जैसे मांस जैसे लाल लाल के ये प्याज भी लाल लाल रंग के होगा, जैसे मांस से बदबू निकलती है ये प्याज में भी बदबू निकलेगा। अब कच्चा प्याज खाओ मुंह से बदबू मारेगा, यहाँ प्याज काटो पता चलेगा कहीं प्याज कट रही है, प्याज काटो आंखों से आंसू आ जाती है, इसलिए ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है और नवरात्रि तक 9 दिन तक इस चीज को कोई घर में नहीं घुसाते। क्यों नहीं घुसाते? इसका जो सृष्टि है ना वो मांस से सृष्टि हुआ है, जहां पर हड्डी वहां से लहसुन की पौधा हुई, जहां पर खून का बूंद गिरा वहां पर मसूर डाल हुई। इसलिए आप लोग देखो, तुम्हारी परिवार में देख लो, तुम लोग तो गुजरी हो, अच्छी संस्कार जाति का तुम लोग हो, घर घर में गोपाल तुम्हारी घर में, गिरिराज बाबा, मोहन बाबा तुम्हारी इष्ट मोहन बाबा है, इसलिए अब देख लेना तुम्हारी एक दो परिवार आगे, पहले देखो कोई नहीं खाते थे सब चीज को, क्योंकि हर चीज पहले हमारे हिंदू घर में ठाकुर को सबसे पहले भोग लगती थी। बोले फिर ये आया कहाँ से, जानते हो कौन लाए? बोले ये मुसलमान लोग लाए ये चीज को, मुसलमान लोग जो मांस मदिरा अंडा प्याज लहसुन ये वो लोग खाते थे। वो लोग को धीरे धीरे देखना, धीरे धीरे वो धीरे धीरे हम भी खाना शुरू कर दिए। पहले वही लोग खाते थे, पहले प्याज खाओ, प्याज में नहीं मन भरेगा फिर अंडा लेकर खाओ, अंडा में नहीं भरेगा फिर मांस लाओ। धीरे 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 आदत ना धीरे धीरे हमारी बिगड़ती जाती है, क्योंकि जुआ ऐसे है ना, कितना दिन से खा रहे हो प्याज लहसुन, अभी खुश हुआ है बोले और खाओ और खाओ, इसलिए ये कभी संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए तो कान्हा को भोग नहीं लगता है ना, खा ठाकुर क्यों नहीं खाते? वो गंदी चीज से सृष्टि हुई है, इसलिए वही चीज खाओ जो ठाकुर को पसंद है, माता जी को पसंद वो चीज हमें लेनी चाहिए। आप बोलोगे नहीं बगैर प्याज लहसुन के स्वाद नहीं आता है, हैं? बोले स्वाद नहीं आता, नहीं स्वाद नहीं है, देखो तुम्हारे घर में रोज रोज देख लेना, रोज रोज प्याज लहसुन बनता है, कोई दिन बीच में कोई तिथि त्योहार आ जाए, बढ़िया तिथि, जिस दिन घर में ये सब चीज नहीं बनता है ठाकुर को भोग लगता है, देखना उसी दिन हर दिन से अलग स्वाद वो चीज में आएगी। अब देना अलग स्वाद आएगी, क्यों? ठाकुर को भोग लगा है, ठाकुर जी को भोग लगा। कहते ये प्याज लहसुन ना दो गुंडे हैं, दाल के अलग स्वाद, सब्जी के अलग स्वाद, अगर प्याज लहसुन डाल दिया ना सारे स्वाद खत्म हो जाती हैं, इनकी ही इसकी ही बदबू आने लग जाती है, हैं? हम कहते स्वाद स्वाद नहीं है बदबू है। अब कुछ दिन प्याज लहसुन मत खाया करो, यहाँ प्याज कटेगा ना बैठ भी नहीं सकते, वहां पर सर दर्द होना शुरू हो जाएगा, हम लोग तो सहन नहीं होता है। कभी ट्रेन में जाते हैं ना, जब प्याज ले जाते बदबू इतने होता है सहन नहीं होता है कि वो गंदी चीज है, लेकिन हमने खा खा करके ना आदतों को हमने बिगाड़ चुके हैं अपना आदतों को। ठीक है, क्या करना? जो कुछ खाओ ठाकुर को भोग लगाए, ठाकुर को भोग लग गया तो कहते ना जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे अन्न खाओगे मन भगवान को भोग लगेगा, लक्ष्मी के घर में कृपा होगी और मन भी शुद्ध रहेगा, भगवान भी खुश रहेंगे, हर चीज में लाभ ही लाभ, इसमें कोई नुकसान है नहीं। ठीक है बच्चों, घर में बोलना नहीं प्याज लहसुन बनाओ। आपका बेटा कौन है प्रभु जी? ये बेटा है, ठीक है, नहीं खाने का, ठीक है नहीं खाने का। और तुम लोग किसके घर के बेटे हो? तुम लोग कहाँ के हो? सब के सब ये दामाद है, हाँ ठीक है। तुम लोग तुम बेटी हो, घर में वो नहीं बनाना, ठीक है ना? ठाकुर जी को तुम खाने के लिए बोलना नहीं, पत्नी को नहीं नहीं बोलना, हाँ। देखो उसमें थोड़ा हींग डाल दो, मसाला में थोड़ा हींग डालो, उसमें अदरक डालो, कड़ी पत्ता डालो, टमाटर डालो, हैं? और बहुत अभी तो तरह तरह का मसाला भी आ गया है, हैं? तरह तरह का मसाला आ गया है, इसलिए अच्छे तरह से छोंक दो, छोंकों के ऊपर निर्भर करता है, बढ़िया छोंक दोगे ना सब तुम्हारे हाथ में, सब कुछ तुम्हारे हाथ में, इसलिए इसने बढ़िया बनाओ, जैसे उनको बोले नहीं अरे प्याज लहसुन क्यों नहीं डाले, हैं? उनको पता ही नहीं चले, ठीक है ना भैया? हाँ इसलिए हाँ देखो, और एक चीज है, भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय रखे भगवान के नाम को जप करनी चाहिए, भगवान की नाम को जप करनी चाहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा, क्योंकि अंतिम समय में देखना
भले ही जीवन में जो कुछ करते रहो, जो कुछ करते रहो, जब अंतिम समय में शरीर छूट जाती है, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही बोलते ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, ये बोलते ना, जितने प्रभु का नाम लिया वही सत्य जगत में सबके सब झूठा है। ठीक है, इसलिए भगवान का नाम को जप करना। आपको एक छोटी सी मैं कहानी सुनाता हूँ, अच्छे तरह से सुनो, कथा के बाद में मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ, जो नहीं बोल पाएगा ना खड़े खड़े कर दूंगा उसको। फिर ऐसे अच्छे तरह देखो, ये जो कथा है ना, ये कथा अगर आप सचमुच से याद कर लिया, आप किसी को भी अगर ये कथा सुनाओगे उसका मन बदल जाएगा, वो भी भगवान की भजन करना, वो भी भजन करना शुरू कर देगा। इतनी अच्छी कथा है, मैंने हजार लोगों को इसी कथा से मैंने बदलाया, भगवान की भक्ति में लगाया। मैं देखता हूँ जो बोल पाएगा उसमें को मैं इनाम दूंगा, ये कथा को दो, ये स्टोरी को मेरे को जो दो बार सुना देगा। ठीक है, अच्छे तरह से ध्यान लेकर सुनो, अब किसी को भी भगवान की कथा प्रचार कर सकते हो। ठीक है, हाँ, पहले एक समय कोई एक राजा था, वो राजा के चार रानियां थी, कितने रानियां थी, चार। जो सबसे जो बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसकी मन पसंद चीज को दे देकर उसको खुश रखता था। राजा की जो दूसरी नंबर की रानी थी वो सबसे सुंदरी थी, हैं? हर व्यक्ति चाहता ना पत्नी हमारी सुंदरी हो, बड़ी सुंदरी थी। जब वो नगर घूमने जाता था, इसको सुंदर करके सजा करके पास में बैठा देता था, दुनिया को दिखाता था, देखो मेरी रानी कितने सुंदरी है। हमारी भी शादी शुदा जब हो, हम भी सब पत्नी को सजा करके ले जाते हैं, दुनिया को दिखा देते हैं हमारी पत्नी कितने सुंदरी है। अभी जो तीसरे नंबर की जो रानी थी, वो बहुत मीठा बोलता था, इतने मीठा बोलता था, हर व्यक्ति तो यही तो चाहते ना, घर में जब आए पत्नी यही नहीं घर का सारे दुख कष्ट सुनाना शुरू कर दे, पति यही चाहता है दिन भर काम करके आता हूँ घर में आए तो पत्नी इतना मीठा मीठा बोली बोले जिसको सुन करके मन को शांति मिले, यही तो चाहते ना। अगर घर में आती पत्नी कर सारा दुनिया के झगड़ा क्लेश सुनना शुरू कर दे फिर दुखी हो जाते हैं ना। अभी बंद कर दो मोबाइल को, दो मिनट बाद में बात करना, कहानी को सुन लो, तुम्हारी काम में आएगी। इसलिए जो तीसरे नंबर की रानी थी, हैं? जो तीसरे नंबर की रानी थी, अभी दरवाजा बंद कर दो, कथा सुन लो और दूध लाए। ठीक है, इसलिए वो बहुत मीठा मीठा बोली बोलती थी, इसलिए राजा उसकी मीठा मीठा बोली बोलकर सुख खूब खुश रहता था। मन की बात और किसी को नहीं, वो मन की बात उसने तीसरे नंबर रानी को मन की बात बोलता था। और जो चौथे नंबर की रानी थी, है तो अच्छी, बड़ी प्यारी, बड़ी मीठी, लेकिन जब से राजा उसको घर में शादी करके लाया है, किसको कि कहां पर भेज रहे हो, हाँ हाँ चले जाएगा, बढ़िया, वो तो आता रहेगा, बोले कल आ जाना पैसा ले लेना। हाँ, इसलिए जो चौथे नंबर की रानी थी, है तो अच्छी, बड़ी प्यारी, लेकिन जब से राजा घर में उसको शादी करके लाए तब से उसको साथ में कोई मतलब नहीं रखा। कभी पूछा नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, कभी उसको पूछा भी नहीं। वो बेचारी बड़ी दुखी रहती थी। अभी राजा की अंतिम समय आया, मरने का समय आ गया, सोचा मेरे चार चार रानियां हैं, इनसे पूछ करके देखता हूँ कौन कहाँ तक मेरी साथ देती हैं। सबसे बड़ी रानी की नंबर, सबसे बड़ी रानी से पूछा, बताओ तो बड़ी रानी कौन थी। हाँ, इसलिए अच्छे तरह सुनो, इसको याद कर लो। इसलिए राजा जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसको अपनी मन की, जिसको मन पसंद चीज को दे देकर जिसको खुश रखता था, लेकिन जब उससे पूछा तू मेरे साथ में चलोगी, लेकिन वो सबसे ज्यादा धोखे हुई थी, बोले तेरे साथ में एक कदम भी नहीं चलूंगी। बोले क्यों, जो मांगती थी मैं वही ला कर देता था, हैं? और तू कह रहे हो मेरे साथ में नहीं चलोगी। बोले क्यों नहीं, मेरे जो तुम्हारा लिया इतना किया। बोले तेरी कर्तव्य था। बोले तेरी, बोले मेरी कोई कर्तव्य तेरी प्रति नहीं। राजा को तो बड़ा कष्ट मिला। अभी दूसरी नंबर रानी से पूछी, दूसरी नंबर कौन थी, हाँ कौन थी, जो सबसे सुंदर थी, हैं? राजा जिसको सजा धजा कर रथ में बैठा लेता था और दुनिया को दिखाता था मेरी रानी कितने सुंदरी। बोले तू चलोगी साथ में। बोले चलूंगी, मैं तो देख रहा हूं तू कब मरोगे। बोले क्यों,
बोले मैं दूसरे से शादी करूंगी। बोले दूसरे से शादी क्यों करोगी? बोले पहले सारा दुनिया को तुमने दिखा कर मेरे को देखा मैं कितने सुंदर ही, इसलिए जहां जाऊंगी मेरे को ही पसंद कर लेगा। राजा तो सुनकर कि उसका प्यार को नीचे जमीन ही खिसक गया, ये क्या कह रही है? बोले तैयारी कर रही है शादी के लिए। हाँ उसको बड़ा आश्चर्य लगा। अभी तीसरे से पूछा, तीसरी कौन थी? जो बड़े मीठा मीठा बोली बोलती थी, राजा जिसको मन की बात सुनाते थे मीठा मीठा बोली बोल खुश होते थे। बोले तू क्या करोगी? वो थोड़ी सी अच्छी निकली, ज्यादा तो अच्छी नहीं, थोड़ी सी अच्छी निकली। बोले चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चलूंगी। बोले दरवाजा तक चलना कोई चलना है? बोले ज्यादा बोलोगे तो केवल दरवाजे से चार कदम तो आगे बढ़ सकती हूँ लेकिन तेरे साथ नहीं चल सकती हूँ। बोले तुम भी किसी काम के नहीं हो, दरवाजा तक चलना कोई चलना थोड़ी है। अभी चौथी नंबर आई, चौथी नंबर कौन थी? राजा जिससे कभी पूछा भी नहीं, तेरे पास में साड़ी साबुन है कि नहीं, कभी पूछता नहीं, बात नहीं करता था, वो बड़ी दुखी रहती थी। तब अंतिम समय में सोचा इसको पूछू कि नहीं पूछू, क्यों? जिसके लिए करोगे तो उसके लिए पूछोगे ना, जिसके लिए करोगे नहीं उसके लिए क्या पूछोगे। लेकिन सोचा जब रानी एक बार पूछ करके देख लेता हूँ। बोले रानी तू चलोगी? सुनते तो बिगड़ गई, बोले तेरे को सर्व नहीं आ रहा है? तो जब से तुमने शादी करके घर में लाए हो कभी तुमने पूछा भी तेरे पास में साड़ी साबुन क्रीम है कि नहीं, कभी पूछा तुमने? लोग खातिर से भी जिंदगी भर नेगलेक्ट करके रखा और अंतिम समय में तू कहे तो मेरे साथ में चलोगी? देख राजा तेरे को मैं बहुत दिल से प्रेम करती हूँ, तेरे साथ साथ चलूंगी, सुख में सुखी दुख में दुखी रहूंगी, बिना खाना खिलाए तेरे को मैं खाना खिलाऊंगी। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा, जिनके लिए मैंने इतना किया कोई जाने के लिए तैयारी नहीं, आज जिसके लिए कुछ भी नहीं किया वही जाने के लिए तैयारी है। देखो ये जो कथा है ना, ये और किसकी कथा नहीं, ये हमारी कथा है। अब अच्छे तरह से इसको समझने के लिए कोशिश करो और उसकी शिक्षा को अगर जीवन में उतार दिया ना, समझो आज से आपका काया बदल जाएगी, आपका जीवन सुधर जाएगा। अच्छे तरह से इसका समझो और कथा को याद करना और जिसको देखना उसको भी सुनाना और उसको भी प्रभु की भजन में लगाना, ठीक है? देखो ये कहते सबसे बड़ी रानी मतलब है, अभी ये दुनिया में हम जिसको सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, जिसकी मन पसंद को चीज को दे देकर उसको खुश कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी अंतिम समय आएगा देखना जिसको इतने प्यार प्रेम कर रहे हैं वो एक कदम भी साथ में हमारी नहीं चलेगी। अब बताओ तो किसको जगत में सबसे ज्यादा प्रेम करते हो आप लोग? बोलो कौन कौन किसको ज्यादा प्रेम करते हो? हंस रहे हो क्यों? बोलो कौन किसको ज्यादा ज्यादा प्रेम करते हो? हाँ देखो इधर सुनो, ये जो प्रश्न है ये सांसारिक प्रश्न नहीं, ये आध्यात्मिक प्रश्न है, ये दुनिया की प्रश्न नहीं समझो, ये दुनिया से अतीत बात हम कर रहे हैं, ये संसार की बात नहीं, दुनिया से अतीत, ये आध्यात्मिक प्रश्न है, ये संसार के प्रश्न है, हम उसको प्रेम करते उसको प्रेम करते नहीं, ये आध्यात्मिक प्रश्न है। बोलो कौन किसको ज्यादा प्रेम करते हो? हाँ बहुत अच्छी बात है, इनके ताली बजाओ, उन्होंने गुरु जी को कम से कम प्रेम करते तो बहुत अच्छी बात है। आप किसको ज्यादा प्रेम करते हो? हम लोग जगत में किसको ज्यादा प्रेम करते हो? अच्छा बोलो क्यों किसको ज्यादा प्रेम करते हो? हाँ और आप लोग किसको प्रेम करते हो? हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, इतना हो जाए ना हमारे तो बेड़ा पार हो जाएगी। अगर इतना इतना हो गया तो समझो हमारे जीवन ही बेड़ा पार हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। हाँ देखो इसको समझो, कहते ये जगत में जो प्रेम है ना, ये जगत में प्रेम नहीं है, ये जगत में केवल स्वार्थ है। जो प्रेम तुम्हें दिख रहा है, हमें पति प्रेम करता है, पत्नी प्रेम करता है, बच्चे, चूंकि तुमसे कुछ मिल रहा है अभी, और मिलना कब बंद कर दो उसी समय सारे प्रेम तुम्हारी खत्म हो जाएगी, है सारे प्रेम खत्म हो जाएगी। इस जगत में प्रेम नाम का कुछ नहीं, ये जगत केवल स्वार्थ काम से भरा पड़ा हुआ है, ये मतलब का संसार है। तो फिर इस प्रश्न आता है, फिर जीवन में हम किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? कहते अपने आप को और ये शरीर को। भैया ने ये बात बताई, अच्छी बात बताई, इसलिए अपने आप को और ये शरीर को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ये शरीर को जो जितना प्रेम करता है वही हमारे सब कुछ है, है? जैसे राजा उसकी मन पसंद चीज देता था, मतलब किया ये शरीर हमें जिस चीज की मांग करती है, बोले आज गोलगप्पे खाओगे, बोले चलो खिलाएंगे, बोले पराठा खाओगे, चलो खिलाएंगे,
हैं, बोला आज राजमा चावल खाओगे चलो खिलाएंगे, हैं बढ़िया कपड़ा पहनने को चलो मल में ले जाएंगे, बढ़िया ढूंढ करके ले आना सूट सलवार पहनाएंगे, हैं ये शरीर, बोले जिम जाओगे चलो, चवनप्राश खाओगे चलो। तो है ना, ये शरीर जिस समय हमें जिस चीज की मांग करती है उस समय हम इस शरीर को ला करके देते हैं, लेकिन जब अंतिम समय आया शरीर छोड़ने का, पूछे शरीर को, शरीर तू साथ में चलोगे? कहते जब हंसा अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजरा बड़ा रह जाएगा। जब शरीर से ये परमात्मा चली जाए, जिस शरीर को हम इतने प्रेम करते हैं, बोले घर से जल्दी निकालो इसको, 13 दिन तक अपवित्र रहेंगे, गंगा पानी छिड़काव कराएंगे, गोबर गोमूत्र छिड़काव करके शुद्ध करेंगे, हैं इसलिए अगर जला देंगे तो ये शरीर राख हो जाएगा, कौआ गिरधर खा गए तो शरीर बिष्टा बन जाएगा, कुछ पुड़ाए नहीं तो इसमें कीड़े बन जाते हैं, हैं ये शरीर ही परिणाम है, ये शरीर गया जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। दूसरे नंबर आई जो सबसे सुंदर थी, राजा जिसको दुनिया में दिखाया करते थे, कहते सबसे सुंदरी कौन है? कितना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये सबसे सुंदरी है, क्योंकि पैसा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। पैसा रहेगा बढ़िया गाड़ी बनाएंगे, बढ़िया घर बनाएंगे, बढ़िया कपड़ा पहनाएंगे, हैं जैसे दुनिया को दिखाता था, हम दिखाएंगे देखो हमारे पास में कितने बढ़िया गाड़ी, कितना बाड़ी, कितने दिखाएंगे। लेकिन उससे पूछे भैया साथ में चलोगी? बोले चलोगी क्या, मैं देख रहा हूँ तुम मरोगे, दूसरे से शादी करोगी, मतलब क्या है? ये शरीर छूटते ही ये पैसा झट दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है, हैं? इसलिए बच्चों का नजर कहाँ रहता है? पिताजी का कितना प्रॉपर्टी, कितना दुकान, कितने मकान, कितना एटीएम कार्ड में कितने कहाँ पैसा, उनका नजर वही रहता है। मैंने तो अपना गांव में जो देखा है ना, हमारे गांव में जो सबसे बड़ा धनी था उसने किसी बच्चे को थोड़ा कम ज्यादा हो गया था, जब पिताजी का शरीर छोड़ा ना, जिसको काम मिला था वो डंडा लेकर खड़ा हो गया, बोले पिताजी का शरीर में जो हाथ लगेगा सर फोड़ दूंगा, पहले पिताजी का कॉपी निकालो कितने पैसा कहाँ पर है, पिताजी हमें काम मिला पहले बंटवारा हो जाए, उसको बाद में शरीर ले जाना, उसको बाद में शरीर को ले जाना। इसलिए इसलिए क्या होता है, पैसा झट दूसरे के नाम पर वो ट्रांसफर हो जाती है, वो चली जाती है। अभी तीसरी नंबर आई कौन थी, जिसका मीठा मीठा बोली सुनता था, मन को खुश रखता था, कहती ये कौन परिवार लोग है जिसको साथ में बैठ करके हम अच्छी अच्छी बात सुनते हैं, आपस आपस में चर्चा करते हैं। पहला नंबर पत्नी की आई, पत्नी से पूछा साथ में चलोगी, जिसको साथ भर लगाकर शादी कराया था, पत्नी को पूछे चलोगी? बोले चलूंगी, दरवाजा तक चलूंगी। बोले आगे? बोले ज्यादा बोलोगे ना, 4 कदम तो आगे बढ़ सकती हूँ, तेरे साथ में मैं नहीं चल सकती हूँ। परिवार वालों से पूछे चलोगे? बोले क्यों नहीं, तेरे लिए बढ़िया आरती सजाएंगे, राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे। बोले कहाँ तक? बोले शमशान तक, वही जला करे टाटा करते करते वापस चले जाएंगे। आगे? बोले आगे नहीं चलेंगे। हाँ देखो अभी चीज ध्यान देकर सुनो, जो काम की चीज हमारी, जिसको हम जीवन में सबसे ज्यादा नेगलेक्ट करके रखे, बेकार कोई काम के नहीं, लेकिन अंतिम समय वही काम में आती है। इसलिए किसको जीवन में सबसे ज्यादा नेगलेक्ट करके रखे? भगवान भक्ति को, भगवान का नाम को। बोले थोड़ा प्रभु का नाम जप करो, हरि नाम करो। बोले ये सब बेकार काम है, जिसका कोई काम धाम नहीं ना, वही बैठ कर हरे कृष्ण करते हैं। हमारे बहुत काम है, क्या स्मार्टफोन देखना है, टीवी देखना है, गप्पे मारना, घूमना, कितने समय इसमें ही बिताते हैं। लेकिन बोलो थोड़ा भगवान के नाम जप कर, भजन कर, बोलो समय कहाँ हमारे पास में, समय कहाँ हमारे पास में, इसको ही हम नेगलेक्ट करके रखे। लेकिन जब अंतिम समय आता है, जब 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलेंगे? यही तो बोलेंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा, किसको सुनाते? और जो ऊपर लेटा हुआ ना उसको सुनाते, बेटा जितने तुमने राम का कृष्ण का नाम लिया है अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय जीवन में तुमने जो कुछ हो किया है केवल झूठे में जीवन बिताया, एक सुई धागा भी यहां से तेरे साथ में नहीं जा रहे। इसलिए मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस तू अमोल को दीम रे सदगुरु, कृपा करे अपना यो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा कहती है पाया तो क्या पाया जीवन में, राम रतन धन पायो, जितने राम का नाम कृष्ण का नाम लिया वही पाया, जग में सब ही खोवायो। बोले ये धन कहाँ से पाया? बोले दीम रे सदगुरु, ये सदगुरु से मिला है। बोले ये धन कैसे है? बोले चोर नहीं लेवे, लुटे नहीं जावे, दीन दीन बड़त सबाए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये ऐसे धन है ना, जिस धन को पिता कमाएगा तो बच्चे नहीं ले सकते,
जिसको बच्चा कमाएगा जिसको पिता नहीं ले सकता है, जिसको पत्नी कमाएगा जिसको पति नहीं ले सकता है, जिसको पति कमाएगा तो पत्नी नहीं ले सकती है, जो कमाएगा ये धन को इसी जीवन में भी धनी और अगले जीवन में भी, आप ये धन को आपको ही मिलेगा, उसको कोई हिस्सादार कोई नहीं बने। संसार का पैसा तो गया, लेकिन ये जो धन है ये धन को कोई नहीं ले सकते। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे, सुने कि नहीं, एक समय उन्होंने अच्छी शिक्षा दिया, बोले एक समय भक्त लोग उनको निमंत्रण दिया, हमारे घर में प्रभु भोजन है, भगवान बोले सबको घर में मैं भोजन नहीं करता हूँ, बोले किसको घर में करता हूँ, जो लखपति बनेगा। आज से 5.5 साल पहले, लखपति मतलब जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मोहर हो, 5 साल पहले सब एक एक रुपया से सोने की सब ये होता था, एक एक मोहर होता था, बोले जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मोहर उसको घर में भोजन करूंगा। बोले प्रभु हमारे घर में 1000 ही पैसा नहीं, 1000 रुपया नहीं, 1000 की बात छोड़ दो, हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, क्योंकि हमारे घर में भोजन नहीं करोगे। देखो भगवान बहुत अच्छी चीज सिखा दिया। बोले जानते हो असली लखपति कौन, बोले कौन है, बोले रोज आना जो 1 लाख ठाकुर का नाम जप करते हैं। अब मेरे तरफ में देखो कैसे लखपति बनोगे। कुछ दिन पहले टीवी में आता था ना अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो, वो बोलता था कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा, अब देख लो कौन बनेगा लखपति। भगवान खुद कह रहे जैसे ये माला है इसमें 108 मोती है, हैं 108 मोती है, इसमें जब जप करते ना देख लो अच्छा तरह से, जैसे ये हरे कृष्ण बोलो मेरे साथ में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल करके उसमें 1 मोती सरकाते हैं, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, 2 मोती सरकाते, फिर 3 मोती सरकाते हैं। देखो 1 लाख कैसे होता है, इधर देखो जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना बार हो गया, 16 बार हो गया है। 1 मोती सरकाए तो 16 बार ठाकुर का नाम, दूसरे में 2 सोल, जब यहाँ खत्म हो जाएगा करते करते इसको पार नहीं करते, इसको पार नहीं करके ऐसे घुमा देते, घुमा कर दूसरे तरफ सफर करते हैं। इसलिए अगर ऐसे 16 माला अगर कर लिया, इधर से उधर इधर 16 माला कर लिया, वो हिसाब से होता है 25,000 हो जाता है, 25,000 नाम हो जाता है। अगर हमने 64 माला कर लिया तो हो गया 1 लाख। भगवान कहते हैं तुमने 1 लाख माला नहीं की, आज तुम्हारी बैंक में 1 लाख माल डिपॉजिट हो गया। ये भगवान खुद कह रहे, 1 लाख माला नहीं, 1 लाख माल तुम्हारी, 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गया बैंक में। बोले भैया ब्याज कितना मिलेगी, फिर ब्याज तो मिलनी चाहिए ना, इसलिए मीरा कहती है दिन दिन बढ़त सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आज अगर 1 लाख अगर डिपॉजिट किया था जब किया तो कल तुमको 1.25 लाख, मतलब 4 दिन में 2 लाख, 4 दिन में ये धन इतना। बोले ये धन कब मिलेगा, बोले आपको बैंक में फिक्स डिपॉजिट हो रही है। इसलिए कबीर कहते हैं, कबीर का एक दोहा है, कबीर कह रहे हैं मरने में सब जग डरे, दुनिया मरने के लिए डरता है, लेकिन मेरा मन आनंद, मैं तो खुश हो रहा हूँ। किसने कहा भैया तू खुश क्यों हो रहा हूँ, तो कबीर कहता है मैंने जिंदगी भर प्रभु का भजन किया है, मेरे को पता है ये पूरा के पूरा मेरे बैंक में जमा हुआ है, मरने के बाद पूरा के पूरा मेरे ब्याज समेत मेरे को मिलेगी, मेरे लिए VIP व्यवस्था होगी, क्यों प्रभु का मैंने नाम जप किया है, हैं? ये धन पूरा के पूरा अगले जीवन में आपको ये पूरा के पूरा मिला गया ये धन है। इसलिए क्या करनी चाहिए, भगवान की नाम धन को डिपॉजिट करनी चाहिए, ठीक है ना। देखो हमारे गुरु जी कहते थे बुरा मत मानो, किसी व्यक्ति को बोलो थोड़ा भजन करना, बोले नहीं बच्चे के लिए कुछ पैसा कमा करके जाए ना, गुरु जी कहते थे नहीं बच्चे के लिए ज्यादा पैसा कमा कर मत जाओ, क्योंकि होनहार होगा तो कमा ही लेगा, अगर नालायक बन जाएगा ना, जितने पैसा तुमने कमाई जुआ और उल्टा पुल्टा सारे काम मांस मदिरा खा करके सब उड़ा देगा। इसलिए गुरुदेव कहते थे ऐसे धन कमाओ जो इसी जीवन में आप मालिक बनो, अगले जीवन में भी आप ही इसका मालिक बनो, उसको कोई ले नहीं सकता है, हैं? इसलिए क्या करो, सवेरे उठ करके सबसे पहले जितने हम कर्तव्य मानते हैं हमारे संसार में, ये कर्तव्य वो कर्तव्य ये कर्तव्य है, पहले वो सारे कर्तव्य को पीछे रख लेना, क्योंकि जिसके लिए हमें मानव शरीर भगवान दिया है, हैं? कहते आए थे हरि भजन को ओटन लग कपास, गोस्वामी जी कहते हैं मातृ गर्भ से जब जन्म हुए भगवान से वायदा लेकर के आई, प्रभु एक बार जन्म दे दो, इस जीवन में उठते बैठते तेरा ही नाम जप करूंगा,
हम यही वायदा लेकर के आए थे, पहले ये काम को थोड़ी समय के लिए करो, हरि प्रभु का नाम थोड़ी समय जप करो, फिर दिन भर काम करो ना, दिन भर काम करते रहो, काम नहीं जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो, क्योंकि पैसा के बगैर लक्ष्मी, लक्ष्मी के बगैर ठाकुर का सेवा नहीं होगा। क्यों पैसा कमा रहे हो? नारायण की सेवा के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए कमा रहे हो। रसोई क्यों बना रहे हो? ठाकुर जी को भोग लगेगा। बच्चों को क्यों प्यार देते हो? बच्चे ठाकुर ने नहीं दिया, बच्चे ठाकुर का ही बच्चे है, उसका ही तो बच्चे है ना, उसने ही तो दिया है हर चीज को। कहते किसी चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं, हर चीज को प्रभु का भजन के साथ में जोड़ लो, किसी चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं, हर चीज को ठाकुर को सेवा में जोड़ दो, बस हो गया। और क्या काम है? तो इतना ही काम करना, ज्यादा तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। इसलिए सवेरे उठ करके सबसे पहले क्या करना है? भगवान की हरि नाम का माला जप करना, क्योंकि कलिजी को केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेर नर उतर ही पारा, ठीक है ना। सबके सब हरि नाम करना। देखो जिस घर में बच्चे बाल बच्चे सबके सब भजन करते है ना, वो घर ही वृंदावन है, वही घर ही वृंदावन है। जिस घर में ठाकुर का पूजा सेवा हो, ठाकुर का भजन पूजा कीर्तन करे, बच्चे भी कीर्तन करते, पत्नी बच्चे हरि नाम करते, वही घर तो वृंदावन धाम। वृंदावन और कहाँ है? वृंदावन वही घर है। भगवान खुद कहते हैं, मद भक्ता जत्र गायति तत्र तिष्ठा में नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं किसकी जोगी का हृदय में नहीं, जहां पर मेरे भक्त कीर्तन करते मैं वहीं पर रहता हूँ, ठीक है ना। क्या करना? घर को भगवान के धाम बनाओ, सबके सब भजन करो, भक्ति करो। अब सबको एक एक में माला दे करके जाऊंगा, ठीक है, एक एक माला दे करके जाऊंगा। ये माला में अब भी भजन करो, बच्चों को भी कराओ, हैं, आपको नाती पोती उनको भी कराओ, सबको प्रभु का नाम भजन कराओ, ठीक है ना। सबके सब भजन करना और खूब आनंद में रहो, वृंदावन आओ भजन करो। कभी कभी वृंदावन धाम घूमने के लिए आते है कि नहीं वृंदावन? हाँ, कभी कभी आओ ना। हमारी जो नुपुर दीदी है वो हमारे बड़े गुरु जी के शिष्य आए, हाँ, इसलिए वो भी वृंदावन में रहती हैं, हाँ, कभी कभी इधर आते हैं वृंदावन। अगर कभी जाओ तो इनको साथ में ये जो क्योंकि साधारण लोग क्या करते हैं यार, तो वृंदावन में तो गए, टिकिया खाए, गोलगप्पे खाए, लस्सी पिए, बोले वृंदावन धाम हो गया, नहीं, हाँ, बांके बिहारी को दर्शन करके नहीं। वृंदावन में ठाकुर की बड़ी सुंदर सुंदर लीला है, ठाकुर जी कहाँ खड़े होकर बंसुरी बजाए, ठाकुर कहाँ रास रजाए, कहाँ मक्खन चोरी की है, कहाँ वृक्षों के ऊपर चढ़ करके ठाकुर जी मुरली बजाया करते थे, सबको इकट्ठे करते थे, वो बड़ी सुंदर सुंदर स्थान वृंदावन में ठाकुर जी की। कहाँ कृष्ण राधा रानी की बेणी को अपना हाथों से कहाँ पर गूंथते हैं, कहाँ पर बैठ करके गोपी गीत गाए, वृंदावन में स्थान है सबके सब। लेकिन लोग इस मंदिर में नहीं जा, इस स्थान में नहीं जाते हैं, और गोल गप्पे टिकिया खा करके और लस्सी पी करके आ जाते हैं, बोले हो गया, बाकी बिहारी को देख करके हैं। इसलिए ठीक है, इनको साथ में जाओगे तो सबका आपको दर्शन करा देगा। रहने के लिए हमारे वहाँ मंदिर भी है, हैं, हमारे मंदिर में रहना वहाँ पर, और वहाँ पर सब दर्शन करना, ठीक है, हाँ, सबको सब ठीक रहो। और आप लोग एक एक माला दे जाऊंगा, एक एक माला जप करना, ठीक है ना। सब माला जप करो, सब परिवार को, सब भगवान के भजन कराओ। और तुम तो है ही तो गुजरी, हाँ, है तो गुजर, तुम लोग कृष्ण के परिवार के लोग है, अभी असली गुजर बन जाओगे जब गुजर कृष्ण की सेवा करोगे, भगवान का नाम करोगे, ठीक है। बोले सिर्फ, हाँ, हाँ नहीं, ये कृष्ण यादव है, कृष्ण गुजर है। जब तक वो वृंदावन में थे, कृष्ण वृंदावन में रहे, करीब 10-11 साल तक कृष्ण वृंदावन में रहे। जब वो ब्रज में रहे तब वो गुजर है, लेकिन जब उन्होंने ब्रज छोड़ करके फिर आए मथुरा में, वो वसुदेव हैं, इसलिए जो देव मेढ़ी थे एक हुए हैं, इनकी दो पत्नी थी, एक क्षत्रिय पत्नी थी और एक उनकी वैश्य पत्नी थी, हैं, एक वैश्य। ये दोनों से क्या हुआ, दोनों से दो बच्चे जो आए हैं उन्हीं परंपरा में श्री नंद बाबा आए हैं, नंद बाबा आए जो गुजरी से जन्म हुए हैं, गुजरी हुए, और जो क्षत्रिय से जन्म हुए वो यादव हुए हैं। इसलिए वही कृष्ण ही जब उन्होंने ब्रज में रहे तब तक रहे गुजर, जब वृंदावन छोड़ करके फिर उन्होंने मथुरा आए फिर वो यादव, ये जदुवंशी है और वो सबके सब गुजर है। इसलिए दोनों ही कृष्ण का परिवार है, लेकिन जो श्रेष्ठ है ना गुजर है। कृष्ण वृंदावन में रहे ना, जो वृंदावन का लीला है उनका तो सबसे प्यारी लीला तो वृंदावन लीला है ना। इसलिए अब लोग गुजर हो, अब श्रेष्ठ हो, हाँ, इसलिए अब लोग श्रेष्ठ हो। इसलिए भागवत में भी आपका नाम आती है, गुजर का नाम है ना, है वहां पर गुजर का नाम, भागवत में भी इनका नाम आती है, पुराण में भी इनका नाम आती है। इसलिए आप लोग तो भाग्यवान हो जो गुजर वंश में तुम लोग आए हो, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की। प्रभु जी कहाँ गए? हाँ, एक भजन गा लो,
हाँ तो तुम्हें के भजन गा लो, अच्छा भजन गा लो। हाँ हरे कृष्ण, आप लोग इनको हरे कृष्ण माला निकाल दो, इनको एक एक माला दे देता हूँ। उसके बाद ठाकुर को भोग लगाया, ठाकुर जी को आज किसने भोजन बनाई है, किसने खाना बनाई, भोजन किसने बनाई, सब लोगों ने मिलाई करो इसको, कहाँ है ओ जो भोग बनाई वो बंगाली माता जी बनाई। हाँ ठीक ठीक है, उसको उसको भी बुला दो, दीदी को भी बुला दो नीचे। तो ये यहाँ कैसे आए? आपकी बेटी? हाँ हाँ यही तो मैं बहुत बोल रहा हूँ। अगर जब जो वहाँ पर भागवत कथा हो रही ना, इसने ही वहाँ पर गई सत्संग के लोगों को उत्साह दी, फिर उन लोग घर उत्साह है तो कथा हुई है। इसलिए आप लोग भी ऐसे ऐसे के बन जाओ, आप भी भजन करो, दूसरों को भी प्रभु का भजन में, दूसरों को भी भजन भजन में लगाओ। हाँ देखो कैसे माला जप करोगे, सीख लिया ना, इधर आओ आप, पहले आओ।